इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम पे, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में राज्य शासन की तरफ से लगातार कोशिश जारी है, बावजूद इसके नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार संक्रमण के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2773 मामले सामने आए, 16 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश के 11 जिलों में लॉकडाउन प्रभावी हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में आज रात 10 बजे से 24 घंटे के लिए लॉकडाउन लग जाएगा। राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम, विदिशा सहित प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाए गए हैं। खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद जिले में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन निर्देशित किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सौसर, उज्जैन और शासन में 24 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 52 जिले में से 25 ऐसे जिले हैं जहां एक दिन में 20 से अधिक मात्रा में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा एक्टिव मामले इंदौर और भोपाल में देखे जा रहे हैं, जिसके बाद लगातार प्रशासन द्वारा लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की जा रही है। इसके अलावा लॉकडाउन में जरूरी सामानों पर छूट रहेगी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में इंदौर में 682, भोपाल में 508, जबलपुर में 185, ग्वालियर में 115, रतलाम में 85, खरगोन में 75, बैतूल में 66, छिंदवाड़ा में 66 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले सीएम शिवराज ने 4 स्थानों में संक्रमण के अधिक मामले देखते हुए राजधानी से टीम रवाना की है, जिसमें खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम शामिल है। ये अधिकारी कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के हालातों की समीक्षा करेंगे। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर।